साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा माँ केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन जो है मैंने रिकॉर्ड कर रखा है ऑलरेडी, और मैं वीडियोस जो है वो दो भाषाओं में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इंग्लिश जो है मैक्सिमम साउथ की भाषा है तो उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हिंदी जो है सुनते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन के भाई, उनके लिए हिंदी में जो है सेम वर्जन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों इस टॉपिक में आपको तीन बातें जो है सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात कि पेंडेंसी ऑफ वर्क का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में योगदान क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्टेंस की थ्योरी क्या है और ये कैसे डिफर करती है वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस से, और अगर पैसा रिकवर भी हो गया है तो क्या हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन होगा। इसके अलावा जो फेनोप्थेलिन टेस्ट है क्या वो एक कंक्लूसिव टेस्ट है, ये भी डिस्कस किया गया इस सेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बात नंबर तीन है कि ओवरऑल हमें क्या देखना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जो है जुड़ा हुआ है। अगर बात को समझोगे तो क्लिक कर लोगे, समझोगे नहीं तो इधर उधर जो है घूमते फिर जाओगे। देखो ये इंटरप्रिटेशन ही है या इंसान की समझ है या एविडेंस सेट है जो हमको फॉल्स इम्प्लीकेशन से जो है बचा के ले जाता है। भाई पुलिस हो चाहे जज हो, ये आगे पीछे घूम रहे हैं CRPC के, बट ऐसे कम वकील ही हैं जो बात करते हैं एविडेंस एक्ट के मुद्दे में। एविडेंस एक्ट एक बड़ा हथियार, एक बड़ा वेपन है डिफेंस के हाथ में कि अगर कोई साक्ष्य फाइल पर है और डाइल्यूट कर दी गई है बाय द वर्च्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहाँ पर एविडेंस होने के बाद भी कोर्ट को लिखना पड़ता है कि ये एविडेंस तो है बट इट इज़ नॉट अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी एविडेंस, जिस कारण उसको हम एडमिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो फायदा डेफिनेटली अक्यूज को मिलता है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेन और एक पेंसिल लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। अगर ऐसी समस्या आपकी है और ये रूलिंग मैच खा रही है तो उसका फ़ायदा लो, और अगर भविष्य में समस्या आने वाली है और ये रूलिंग आपको समझ में आती है या ये रूलिंग कंटेस्ट है तो डेफिनेटली आप अपने राइट्स को सिक्योर कर पाओगे। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जजमेंट जो है वो है अगेंस्ट कन्विक्शन, और इसका पूरा नाम है T. Venkatesh v. स्टेट ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट जजमेंट है कर्नाटका हाईकोर्ट का 19/7/2023 का। 374 sub clause 2 CRPC यहाँ पर स्थिर लगाई गई है क्योंकि अक्यूज को जो है कन्विक्ट किया गया सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)(D) PC 8 में, और उसकी अपील जब भी होगी हाईकोर्ट में तो वो सेक्शन 374 sub clause 2 CRPC के तहत ही होगी। क्लियर हो गया आपको? अब साथियों आते हैं इस मामले के बेसिक फैक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर अक्यूज को जो है कन्विट किया गया सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)(D) PC 8 के अंदर। साथियों केस क्या है प्रोसिक्यूशन का कि जो अक्यूज है वो है जूनियर इंजीनियर, एक पब्लिक सर्वेंट है जिसने डिमांड किया अंडू एडवांटेज या ब्राइब जिसका अमाउंट है 4000 फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट रिगार्डिंग इनलीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। दूसरी बात है कि नया कनेक्शन तो लगवा दूंगा पर उसके बेटे 5000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये व्यक्ति जो है कंसल्ट ACB के या विजिलेंस के दफ्तर में गया, इसने रिपोर्ट को दर्ज कराया, उनका कहना कि हमने वेरिफिकेशन कर लिया और अल्टीमेटली दे मूव टू प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और फाइनली उसको रंगे हाथों जो है पकड़ लिया। अक्यूज जो है बेल आउट हुआ, चार्जशीट भी हुआ और उसने प्लीड किया नॉट गिल्टी और क्लेम किया ट्रायल को। प्रोसिक्यूशन अपने गवाह एग्जामिन करे, डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया, मुलजिम के स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हुए 313 CRPC में, और फाइनली जो है इस केस में अक्यूज को जो है कन्विट किया गया। क्लियर हो गया? साथियों जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो कुछ महत्वपूर्ण तर्कों को जो है रखा अपीलार्ड ने। तर्क नंबर एक कि जजमेंट जो है वो एब्सर्ट है। अब एब्सर्ट कैसे कि डेट ऑफ डिमांड जो है वो स्पेसिफिक ही नहीं है कि कब ये 4000 मांगे और कब 4000 रुपये जो है प्राप्त करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोसिक्यूशन का केस अगर हम देखें एज पर द कंप्लेंट तो उसमें साफ साफ ये कि अक्यूज ने 5000 रुपये खुद नहीं मांगे, इसे मांगे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर रामू, और रामू इस केस में हो गया हॉस्टाइल, तो जो कनेक्टिंग एविडेंस थी वो हो गई मेरे से यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अक्यूज से कोई रिकवरी नहीं है, जो भी रिकवरी LS टेबल्स है जो कि किसी भी रूप में वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस को इंडिकेट नहीं करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अक्यूज है उसने पैसे प्राप्त नहीं करे हैं, उसने हमेशा ही पैसों को प्राप्त करने से रिफ्यूज़ किया है, और ऐसे कोई भी एविडेंस फाइल पर नहीं है जो कि इंडिकेट करते हो कि देर वॉज अ वर्क पेंडिंग विद द अक्यूज रिगार्डिंग द कंप्लेंट, और पेंडेंसी वर्क नहीं है तो ये एक इंपॉर्टेंट झटका है प्रोसिक्यूशन को कि ये मोटिव का जो इंडिकेशन है वो फाइल पर एबसेंट है। उनका ये भी तर्क है सेंक्शन जो है वो डिफेक्टिव है क्योंकि 4 मई 2012 का जो सेंक्शन ऑर्डर है रिगार्डिंग द ऑथराइजेशन, जिस कॉन्सिक्वेंटल में सेंक्शन उससे पहले ही जारी कर दी गई है जो डेट है 29/2012, तो अगर सेंक्शन बिफोर ऑथराइजेशन है तो इट इज़ टोटली इनलीगल, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस केस में देखा जाना चाहिए कोर्ट को रिगार्डिंग द इनकम्पिटेंसी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा गवाहों में जो है विरोधाभास है, वर्क जो है पेंडिंग नहीं है जैसा मैंने आपको बताया ऊपर, ये कुछ तर्क जो है रखे अपीलांड ने जिसका विरोध जो है स्टेट ने किया,
कि ये जो सेंक्शन है वो प्रॉपर है, वर्क जो है पेंडिंग था जिसके एवज में जो है पैसों को डिमांड हुई है, पैसों को जो है प्राप्त किया गया है, और इवन फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, यदि भी गवाह होस्टाइल है कोई फर्क नहीं पड़ता। देर इज़ नो नीड टू हैव डायरेक्ट एविडेंस एज ऑब्जर्व बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नीरज दत्ता वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी। अब साथियों कोर्ट को ये देखना था कि क्या प्रोसिक्यूशन ये साबित कर पाया है बियॉन्ड डाउट कि अक्यूज ने एलिज्ड मनी को डिमांड किया है और उसको एक्सेप्ट किया। अब एलिज्ड मनी 200 में पहला तो है 4,000 रुपये की मैं कार्रवाई नहीं करूँगा अगेंस्ट द इलीगल एक्ट डन बाय यू, और दूसरा कि 5,000 रुपये दो मैं आपको नया कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का लगवा दूंगा। अब कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को देखा, सरकमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट ने कहा कि जो कंसर्नड कंप्लेनेंट है इसने डिपोज किया है कि इसके पास अनऑथोराइज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। अब साथियों जो गवाह नंबर एक है कंप्लेनेंट, इसने खुद स्वीकार किया कि इसके पास अनऑथोराइज इलेक्ट्रिक कनेक्शन था जो कि बोरवेल पंप से जो है संबंधित था, और जिस कारण जब अक्यूज द्वारा इंस्पेक्शन किया गया तो उसके द्वारा कार्रवाई की बात की गई। उसका यह कहना है कि अक्यूज ने कार्रवाई ना करने के लिए 4,000 मांगे, पर यह डिमांड जो है उसने करी है थ्रू कॉन्ट्रेक्टर रामू PW5, और यहाँ PW5 जो है वो होस्टाइल हुआ है और चेन एविडेंस को जो है वो ब्रेक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अक्यूज ने जो है 5,000 मांगे हैं थ्रू कॉन्ट्रेक्टर एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू पे द ब्राइब एंड लॉस द कंप्लेंट। सब्सिक्वेंटली उसने 5,000 रुपये जो है प्रोड्यूस करे और प्रत्येक नोट का डिनोमिनेशन 500 रुपये के सेगमेंट में था। इस पर पुलिस ने जो है केमिकल अप्लाई किया और उसके बाद जो कंसर्न व्यक्ति था उसके हाथ जो है डिप करे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का रंग जो है वो पिंक में टर्न अप हो गया। नहीं समझाया गया भाई जब ये अक्यूज पैसे लेगा और उसको हम ट्रैप करेंगे तो ऐसी स्थिति जो है देखने को मिलेगी। तो इसका एक डेमो पंचनामा जिसको हम बोलते हैं प्री ट्रैप पंचनामा या सप्लापुर पंचनामा अगर आप मराठी जोन से हैं या मजर, इस तरह के वर्ड्स जो है इसके लिए यूज़ किया थे, ये तैयार किया गया। और उसके बाद जो कंसर्नड कंप्लेनेंट है और जो कंसर्नड पुलिस है जो कंसर्नड पंचायत है ये गए ऑफिस ऑफ द अक्यूज पे, व्हीकल को पार्क कर लिया, और जो कंसर्नड कंप्लेनेंट है जो कंसर्नड विटनेस है रवि कुमार गवाह नंबर 2 है PW2 और शेडो विटनेस जो है ये पहुँचे अक्यूज के दफ्तर में, और इन्होंने कॉल किया रामू को जो कॉन्ट्रेक्टर है PW5, वो स्पॉट पर आधे घंटे में, और उसके बाद वो अक्यूज के दफ्तर के अंदर गया, वहाँ काफ़ी लोग प्रेजेंट थे। उसके बाद वो बाहर आया और उसने कहा कि अक्यूज ने इन्फॉर्म करा कि वो काफ़ी बिजी है एंड टू पुट अप अ कंपाउंड वॉल अराउंड दी बोरवेल, ये उसके आदेश है अक्यूज का, ऐसा रामू ने बताया बाहर आके। 5 मिनट के बाद जो परिवादी है और जो रवि कुमार है और जो रामू है वापस से दफ्तर के अंदर गए और रामू ने कहा कि ये जो अक्यूज्ड है उसको आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे और आपका जो है काम हो जाएगा, इसमें 2,000 रुपये मेरे होंगे और 3,000 रुपये जो है वो अक्यूज्ड के होंगे। और जिस पर परिवादी ने कहा रामू से कि भाई जो पैसा है वो मैं ही दूंगा अक्यूज़ को और उसमें फिर आपका क्या शेयर बनता है वो आप जानो। उसके बाद उसे 5,000 रुपये जो है अक्यूज़ को दिए एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ PW5, ये कॉन्ट्रेक्शन फाइल पर है, और अक्यूज़ ने पैसों को काउंट किया और टेबल पर रख लिया, पुलिस को सिंगल दिया गया, पुलिस आ गई और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर कार्रवाई भी हुई और अल्टीमेटली आर्टिकल को सीज किया गया। जो गवाह रवि कुमार है अब उसके केस में जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये अपने बयानों में कहीं भी नहीं कहता कि अक्यूज को जो पैसे दिए गए उसको उसे गिनकर जो है टेबल पर रखा। तो ये जो घटना है उसमें ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये एक विरोधाभास की स्थिति जो है लेकर आते हैं। गवाह नंबर 3 जो मिस्टर मोहन है ये सेंक्शन अथॉरिटी है, बट ये कहीं भी स्पेसिफिक नहीं कर पाए कि सेंक्शन जो है किस प्रकार रॉकआउट की गई। अगर इन्होंने कह दिया कि भाई मेरे पास सेंक्शन के लिए फाइल आई थी और जो ऑथोराइजेशन लेटर था उसके बेसिस पे जो है सेंक्शन जारी कर दी, बट देर इज़ नथिंग ऑन द रिकॉर्ड वेदर द एफिशिएंट मटेरियल वाज कंसीडर्ड और नॉट रिगार्डिंग द अकॉर्डिंग ऑफ सेंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मिस्टर प्रकाश पाटिल है PW4, उनको भी जो है संबंध किया गया पुलिस के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाटिल को PW1 और PW2 से जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था ड्यूरिंग द ट्रैप प्रोसीडिंग्स, और कंप्लेनेंट ने जो है जो 5,000 रुपये दिए थे उसके करेंसी नंबर्स को भी प्रॉपर पेपर्स पर जो है नोट किया गया था और उस डॉक्यूमेंट को जो है एज एग्जिबिट 16 या P16 जो है आइडेंटिफाइड किया गया, और जो फिनोफ्थेलिन से ट्रीट करे हुए नोट से जिसके कॉन्सिक्वेंटल में जो कंसर्नड गवाह है उसके हैंड को वॉश किया गया, सैंपल जो है टर्निंग हो गया जिस कारण सैंपल सॉल्यूशन जो है कलेक्ट करना पड़ा और उन सैंपल सॉल्यूशंस को भी इसने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद पुलिस ने इंस्ट्रक्ट किया था परिवादी को टू पे द ब्राइब ओनली ऑन डिमांड मेड बाय द अक्यूज, और जिस कारण जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने तैयार किए और उसकी फोटोग्राफी जो है लिए। उसका ये भी कहना कि हम सब जो है ऑफिस में गए थे कि उसके केवल गवाह नंबर 1 और 2 जो है इनसाइड गया और हमने सिंगल का जो है वेट किया, जब सिंगल प्राप्त हुआ तो पुलिस जो है उसने अक्यूज़ को पकड़ लिया। PW1 या परिवादी ने इन्फॉर्म ये किया कि मैंने ये पैसा जो है अक्यूज़ को दिया है, बट अक्यूज़ ने डिनाई किया और अमाउंट भी जो है अक्यूज़ से रिकवर नहीं हुआ था, वो टेबल से रिकवर हुआ था।
पुलिस ने जो हैंड वॉश किए थे कि उसके उसमें सॉल्यूशन जो है पिंक टर्न हो गया और उसको सीज किया गया, और उस पर जो आर्टिकल नंबर थे उसको भी इस गवाह ने जो है आइडेंटिफाई किया है, और जो कंसर्ट घटनास्थल थे उसके फोटोग्राफ भी लिए गए, और अक्यूज का जो स्पष्टीकरण था एग्जिबिट पी तरह उसको भी आइडेंटिफाई किया, जिस सील से सैंपल को सील किया उस सील को भी आइडेंटिफाई किया, और इसके अलावा ट्रैप पंचनामा जो एग्जिबिट पी 12 है उसको भी इसने आइडेंटिफाई किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नथिंग इज देयर इन हिज टेस्टिमनी, कि उसने अक्यूज को परिवादी से रिश्वत की वार्ता करते हुए देखा या वार्ता करते हुए जो है सुना, या जो एलिज करेंसी नोट से उसको लेते हुए या गिनकर दराज में रखते हुए जो है देखा, तो कनेक्टिंग एविडेंस जो है यहाँ पर मिसिंग थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो गवाह नंबर 5 है PW5 जो इस केस में मटल विटनेस था, कनेक्टिंग एविडेंस को लेकर चल रहा था, ये इस केस में जो है होशियार हो गया और सपोर्ट नहीं करता है प्रोसिक्यूशन को। इसके अलावा गवाह नंबर 6 मिस्टर PP राजू जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिसको कंप्लेंट मिला, जिसे इन्वेस्टिगेट किया और उसको जो है चार्जशीट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंप्लेंट रिसीव हुआ उस पर उसने FIR काटा, उसके बाद परिवादी ने जो है करेंसी नोट प्रोड्यूस करे, उसके नंबर को जो है एग्जिबिट पीस वाला में नोट डाउन किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया ट्रैप प्रोसीडिंग को, डेमो पंचनामा जो है प्रिपेयर किया गया, उसके बाद टीम जो है रवाना हो गई मौके पर अक्यूज को ट्रैप करने के लिए। परिवादी ने जो है सिंगल दिया, अक्यूज को रंगा तो पकड़ लिया, कैश सीज कर लिया गया, और उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ जो भी टर्न हो गया इनटू पिंक, और उसके बाद आर्टिकल को सीज किया गया और उस पर मार्क नंबर 2 जो है डाला गया, और कैश को जब करते हुए उस पर संबंधित आर्टिकल मार्क नंबर 7 जो है डाला गया, और डिटेल पंचनामा जो है तैयार किया गया जो कि प्रदेश P12 है, और इस बारे में जो अक्यूज का स्पष्टीकरण था एग्जिबिट P13 इसके बारे में बात करता है, नक्शा मौका बनाया गया P19 उसके बारे में बात करता है, अक्यूज को अरेस्ट किया गया उसके बारे में बात करता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट भी उसके बारे में बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिमांड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डिमांड को साबित करते हैं गवाह नंबर 1, 2, 4 और 5। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो परिवादी है वो अपनी एविडेंस में स्वीकार करता है कि उसका कनेक्शन जो है वो अनऑथोराइज था, ये भी कहता है कि अक्यूज ने जो है इंस्पेक्शन किया, और ये भी कहता है कि अक्यूज ने एलिजी जो है 4000 मांगे, पर 4000 को लेकर 2 फैक्ट रिकॉर्ड पर हैं। पहली बात तो थ्रो रामू इस केस में जो है होस्टल हो गया, दूसरी बात कंप्लेनेंट ऐसे कोई भी कनेक्टिंग एविडेंस लेकर नहीं आया कि ये पैसे कब दिए, कहाँ दिए और किसकी उपस्थिति में दिए। जब तक कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है वी कुड नॉट प्रिज्यूम द अक्यूज टू बी किल्ड। जहाँ तक बात 5000 रुपये की है, इसमें 2 उस समय ट्रैप है, तो गवाह नंबर 1 ये डिपोज करता है कि अक्यूज ने जो है 5000 मांगे अगेन थ्रू इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर PW5, ये जो है ऑफिसर हो चुका है। 5000 को लेकर भी कोई ऐसी एविडेंस फाइल पर नहीं है जिससे हम डिमांड का जो है कंक्लूजन ड्राइव कर सकें। जब तक कंक्लूसिव और करेक्टिंग एविडेंस फाइल पर नहीं है वी कुड नॉट कन्विट द अक्यूज, ऐसा कोर्ट का मानना था। सबसे पहले बात प्रोसिक्यूशन को डिमांड साबित करनी है, डिमांड को साबित नहीं कर पाया। दूसरी बात डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, करेक्टिंग एविडेंस नहीं है, पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है। इसके अलावा जो एलिस ब्राइब है अक्यूज से रिकवर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये सफिशिएंट फैक्टर्स हैं टू ड्रॉ इन्फरेंस इन फेवर ऑफ द कंसर्न अक्यूज, तो कोर्ट ने फैक्ट्स को और सरकमस्टेंसेस को देखते हुए और कुछ जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थे उस पर रिलाई करते हुए, वो जजमेंट क्या थे, केस अनाथनामा PRS यादव अक्यूज को जो है एक्विट करने के ऑर्डर कर दिए। तो कहने की बात यह है कि जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो आपके फैक्ट्स हैं और जो गवर्न फैक्ट्स को प्रूव कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है उसको देखते हुए हमको जो है लड़ाई लड़नी है, अदरवाइज वी विल बी इन द हॉट वाटर। तो कुल मिलाकर अगर वो बचना है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि केस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से आई एविडेंस है और किस तरह से वो केस से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये चीज़ आप सॉल्व कर पाते हो तो सफलता मिलने की वहाँ पर आपको 100% जो है चांसेस है। तो साथियों कुल मिला के आज के अध्याय में हमने सीखा कि पेंडेंसी वर्क का जो है एक इंपॉर्टेंट योगदान है, पेंडेंसी वर्क नहीं है तो इसका प्लस फैक्टर मिलेगा अक्यूज्ड को। दूसरी बात कनेक्टिंग एविडेंस क्या है, तीसरी बात जो भी एग्जिस्टिंग एविडेंस है वो कैसे कनेक्ट कर रही है अक्यूज़ क्राइम से। अगर मियर वर्बेटम है, कोई कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है, देन द अक्यूज़ कुड नॉट बी कन्वर्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऐसे अपडेट्स के लिए इस पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायल करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।